आप सभी का स्वागत है बंगाली स्पाइस बॉक्स में। आज मैं बनाऊंगी पापड़ मछली थोड़े अलग तरीके से। बनाऊंगी शोभुज पापड़। शोभुज पापड़ बनाने की सामग्री है पापड़ मछली, सरसों का तेल, शक्कर, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, रोस्टेड तिल, कलौंजी, धनिया पत्ता का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर। सबसे पहले नमक हल्दी डालकर पापड़ मछलियों को ढेर सारे तेल में तल लूंगी। तेल गरम कर रही हूँ। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं हल्दी पाउडर और नमक से मछलियों को मिक्स कर लूंगी। मछलियाँ फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अब इसी तेल में मैं डाल दूंगी कलौंजी, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम। डालूंगी एक चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। यहाँ मैं एक बड़े साइज का टमाटर यूज कर रही हूँ। डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। मैंने एक चम्मच से कम नमक डाला। यहाँ 8 से 10 हरी मिर्च पीसी हुई है, मैं पूरा ही यूज कर रही हूँ। धनिया पत्ते के एक बंडल को अच्छे से धोकर मैंने इसे पीस लिया था, मैं पूरा ही यूज कर रही हूँ। सफेद तिल को स्लाइटली रोस्ट कर लिया गया है, मैंने 2 चम्मच सफेद तिल डाल दिया। इसमें डालूंगी बहुत ही थोड़ा हाफ चम्मच शक्कर। पानी डालूंगी। शोभुज पापड़ में ज्यादा ग्रेवी नहीं होगी, उसी हिसाब से पानी डालूंगी। मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है। अब मैं ग्रेवी में डाल दूंगी तली हुई पापड़ मछली के पीसेस। ग्रेवी थिक हो चुकी है, गैस बंद कर दिया मैंने। तैयार है शोभुज पापड़। जरूर सर्व कीजिए चावल के साथ।